हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट लिक्विड है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो या हम इंसान हो। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले थ्योरी पार्ट वाटर साइकिल का, उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगी कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। देखिए, ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए इसका एक पिक्चर बना के रखा है बोर्ड पर। ये एक रिवर है जिसमें पानी बह रहा है। जैसे ही इस रिवर के ऊपर सन की लाइट पड़ती है, ये सन की लाइट इसके ऊपर आ रही है और ये इसको गर्म करता है, और ये लिक्विड फॉर्म से, जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म से क्या हो जाता है, ये वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है गर्म होने से। यानी कि एवोपरेशन वो प्रोसेस है जो लिक्विड वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करता है। जैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद कोई भी चीज ऊपर उठने लगती है, तो हमारा ये वाटर वेपर्स भी यहाँ से उठ करके कहाँ चले गए, स्काई में, ऊपर ऊपर, बहुत ऊपर हमारे यहाँ आसमान में चले जाते हैं। आसमान में जाने के बाद ये एक साथ ठंडे होकर के एक साथ रहने लगते हैं, कंडेंस करते हैं, कंडेंस फॉर्म में आने लगते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो दे फॉर्म क्लाउड्स, ठीक है। और इन क्लाउड्स में कंडेंस फॉर्म में रहते हैं, ये तब तक रहते हैं जब तक कि उन क्लाउड्स की कैपेसिटी इतनी होती है कि इनको वो कैरी ऑन कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही कंडेंसेशन होने के बाद इनकी कैपेसिटी, इनकी जो ताकत है, खत्म होने लगती है, तो ये क्लाउड्स क्या करते हैं, इसी वाटर को जो कंडेंस फॉर्म में है, इसको ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस अर्थ पर भेजने लगता है, छोड़ देता है। और इसी छोड़ने को, यानी कि क्लाउड से वाटर के फॉर्म में नीचे आने को ही हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, या उसी को हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं रेन या रेनिंग के अंदर, ठीक है। और ये पानी फिर से पानी के रूप में यहां जाता है, मींस ये लिक्विड फॉर्म से वाटर वेपर्स बनते हैं, वाटर वेपर से कंडेंस फॉर्म में क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से अगेन ये लिक्विड फॉर्म में आकर के हमारे पास चलाता है। इस तरीके से कंप्लीट एक वाटर साइकिल है। अब इसको साइकिल नाम क्यों दिया गया है, इस वर्ड पर भी फोकस कर लीजिए, क्योंकि देखिए साइकिल का मतलब है एक सर्कल। इस सर्कल में आप कहीं नहीं बता सकते कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। इसी प्रकार से हमारी इस वाटर साइकिल में आप ये नहीं कह सकते हैं कि रेनिंग इसका फर्स्ट स्टेप है या एवोपरेशन इसका फर्स्ट स्टेप है। इसके सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एक के बाद कंटिन्यूएशन में होते हैं। कभी भी इसकी साइकिल आप रिवर्स नहीं करेंगे कि ये एवोपरेशन से रेनिंग में आ गया या रेनिंग से कंडेंसेशन में चला गया। इसका जो प्रोसेस है वो इसी एरो फॉर्म में जो मैंने आपको दिखाया वो है कि वाटर है लिक्विड से, एवोपरेट होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी, रेनिंग होगी, रेनिंग होगी तो वाटर बनेगा, वाटर बनेगा तो अगेन ये वाटर वेपर्स बनेंगे, वाटर वेपर से फिर क्लाउड्स बनेंगे, और इस तरीके से पूरा चक्र और पूरी साइकिल नेचर में अनवरत चलती रहती है। वनस्पत की हम इंसान इस साइकिल को कभी डिस्टर्ब ना करें तो हमारी अर्थ पर पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे सीख सकते हैं। तो थ्योरी के बाद अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये एक वेपोराइजर यूज किया है जो आजकल हमारे घरों में सबके पास मिल रहा है, तो बहुत ईजी है इसको सीखना। इस वेपोराइजर को देखिए, इसमें मैंने वाटर पानी को भर के रखा हुआ है। अब देखते हैं, इसको मैं ऑन कर देती हूँ, ठीक है ना। और देखिए ये वाटर जो है ये वेपर्स में चेंज होने लग रहा है। आप इसको बस ऑब्जर्व करिए तो आपको इसके अंदर से यहाँ से वेपर्स उठते हुए नजर आएंगे। कुछ देर में आपको और ज्यादा नजर आने वाले हैं, थोड़ा सा अगर आप कैमरे को पास ले आए तो और अच्छे से नजर आएगा। और अब देखिए इसमें हम ये एवोपरेशन हो रहा है, मींस लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रही है, इट मीन्स इट इज एवोपरेशन। एंड नाउ अब देखिए, मैंने एक स्टील की प्लेट को यूज किया है। स्टील की प्लेट को अगर मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, इसको रखते हैं, और ये मान लीजिए कि हमारा स्काई है, ये ऊपर हमारे आसमान में, और ये हमारे वेपर्स यहाँ जाकर के क्लाउड्स का फॉर्म कर रहे हैं। अब देखिएगा इसके नीचे से कि यह जल्दी से जल्दी इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा और इसमें हमें ड्रॉपलेट्स नजर आने लगेंगे। कैसे आएंगे, क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा तो ये एक साथ इकट्ठा हो रहा है, इसके ऊपर से आपको नजर आएगा कि ये वेपर फॉर्म कर रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है। ये देखिए, इस पानी को अगर आप देखेंगे तो मेरा हाथ गीला हो गया, इसका मतलब है कि ये वेपर्स अगेन किसमें चेंज हो गए हैं, लिक्विड फॉर्म में। और यही प्रोसेस है हमारी कंप्लीट लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल का। तो बच्चों, मुझे लगता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ देख करके आपको मजा भी आया होगा और आपको इसको सीखने में आसानी हो गई होगी, और आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि वाटर साइकिल क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट
शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू टैप द